नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं दीपावली के शो पेट पूजा में। आज की पेट पूजा में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पराग के जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में, और उन्हीं पराग ने दूध के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें काफ़ी लंबे समय से अपना एक बहुत ही अलग नाम और एक वर्चस्व कायम करके रखा हुआ है। उसी पराग का एक स्थान लखनऊ में काफ़ी मशहूर है, जिसको जो कि 1090 चौराहे पर स्थित है, और उसका नाम है आकांक्षा पराग मिल्क पार्लर। लखनऊ भर में या कहें कि देश भर में देखा जाए तो पराग के जो भी बूथ हैं छोटे छोटे आपने जगह जगह पर देखे होंगे, और उसमें नीले रंग से पराग दुग्ध उत्पादक संघ करके लिखा होता है। तो उसी तरह से ये जो पराग वालों का है ये खुद का एक स्थान है जो उन्होंने खोल रखा है, तो और ये लखनऊ में काफ़ी मशहूर भी है। तो आइए यहाँ से मिलकर के जानते हैं कि यहाँ के जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और इसका जो जर्नी रही है वो कैसी रही है। तो दोस्तों, इस समय यहाँ पर आकांक्षा पराग मिल्क बूथ पार्लर में मेरे साथ यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं मिस्टर राम नारायण यादव जी वो मौजूद हैं, तो उनसे मिल करके जानते हैं इस बूथ पार्लर के बारे में और यहाँ के प्रोडक्ट्स के बारे में। यादव जी, आकांक्षा तो मतलब हम लोगों का है नहीं, पराग है, अलग है, वो जो है पब्लिक सोसाइटी है। हम लोगों का जो है कोऑपरेटिव सेक्टर का है पराग। इसमें पराग का मतलब ये है कि पराग से मतलब स्वास्थ्य से संबंधित, पराग के जो नाम है वो स्वास्थ्य से संबंधित है, इसमें तो इसका नाम पराग रखा गया है। ये लखनऊ में हम लोग जो देखते हैं छोटी छोटी जगहों पे सड़क के किनारे भी छोटे छोटे पराग बूथ खुले रहते हैं नीले रंग से पेंट किए हुए, और पराग दुग्ध उत्पाद संघ करके, तो वो क्या इनसे अलग हैं या फिर दोनों एक ही हैं? नहीं नहीं, वो अलग नहीं है, है तो इन्हीं से जुड़े हुए हैं, पराग से ही जुड़े हैं, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी दी हुई है, जो कि वो पराग का प्रोडक्ट बेचते हैं, इसमें उनको कमीशन मिलता है। हालांकि जो नीले रंग या पराग कलर में उनको जो है जो रंगाई पोताई मेंटेनेंस होता है, वो पराग मतलब जो विभाग है लखनऊ में वो स्वयं कराता है, इस नाते वो अपना ही जो है कलर में अपने ही मोनोग्राम जो है वहाँ पे सब रंगाई पोताई इसी कलर में होता है। रामनारायण जी, यहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमें बताइए कि यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। वैसे तो पराग के सभी प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, कुछ हमें दिखाइए भी कि कैसे हैं क्या हैं। यहाँ पे जैसे हम अपने काउंटर की बात बताएं तो यहाँ पे जो है फ्लेवर्ड मिल्क है आपका, जैसे ये फ्लेवर्ड मिल्क है तो ये जो है बच्चे और युवा वर्ग या जो कुछ बुजुर्ग भी होते हैं जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। दूसरा नंबर आता है ये जो है छेना की, ये भी नंबर इसी की, इसके बाद लगभग ये दोनों समानांतर में ही बिकता है, 300 ये बिक रहा है तो 300 ये भी पैकेट लगभग बिक जाता है, कभी जाता है। उसके बाद ये पेड़ा है आपका, पेड़ा भी मतलब 8-10 किलो यहाँ पे डेली बिक जाता है। वैसे कलाकंद है हमारे पास, मिल्केक आया हुआ अभी जल्दी लॉन्च हुआ है, और आपका गुलाब जामुन रसगुल्ला है, और कलाकंद है, श्रीखंड भी नया प्रोडक्ट है वो भी निकल रहा है, तो चावल खीर है, श्रीखंड है, श्रीखंड ये श्रीखंड है, ये बेसन लड्डू है, और ये पराग की पनीर है 200 ग्राम पनीर, और ये फुल क्रीम दूध है, ये कोल्ड मिल्क है, ये सब प्रोडक्ट मतलब अपने आप में निकल रहा है, अच्छा खासा बिक्री है, लोग अब लाइक कर रहे हैं बहुत हद से ज़्यादा, मतलब बिक्री अच्छी है। टोंड मिल्क मतलब इसमें फैट कम होता है, फुल क्रीम के मतलब पूरा फैट, यानी पूरा फैट मतलब 6% पाया जाता है, और इसमें टोंड मिल्क में इसमें 3% पाया जाता है। छाछ जो है वो प्लेन होता है, उसमें कुछ मिक्स नहीं होता, और मट्ठे में जो है मसाला जीरा है काला नमक है सब मिक्स होता है।
ये पराग का घी, जैसा कि यादव जी ने हमें दिखाया कि पराग का एक मेन प्रोडक्ट में से एक है ये पराग का जो पाउडर होता है जिसे दूध बनाते हैं, और ये काफ़ी खास चीज़ है। मिल्क के तरह तरह की मिठाई की दुकानों में हम लोगों ने देखा है कि मिल्क केक मिठाई के रूप में होती है, ये पराग का खुद का बनाया हुआ मिल्क केक है। और जो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं उनमें इसका एक खास स्थान है मिल्क केक का। तो दोस्तों इस समय यहाँ पर जो आकांक्षा पराग मिल्क बूथ पार्लर है यहाँ पर मेरे साथ कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे मिलकर के जानते हैं कि उनकी यहाँ के बारे में क्या राय है और यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा शुभ नाम जितेंद्र है। सर यहाँ के बारे में आप कुछ बताइए। सर यहाँ के बारे में क्या कहना है, बहुत ही शानदार जगह पे प्लेस पे है 1090 चौराहा, जो कि लखनऊ के दिल कहा जाता है। 1090 चौराहा के बगल में है ये पराग रेस्टोरेंट, बहुत ही शानदार है और बैठने की बहुत अच्छी जगह आप देख सकते हैं। चारों तरफ फसलास यहाँ ए सी लगे हुए पंखे चल रहे हैं। बाकी प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पे जो भी कलाकंद है या जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये चावल की खीर है, बहुत ही स्वादिष्ट है, और जितने भी यहाँ पे जितने भी आइटम पराग के हैं बहुत ही अच्छे हैं सर। और मैं तो प्रतिदिन यहाँ पे आता हूँ, आधा घंटा यहाँ पे लंच करता हूँ, यहाँ के सारे सामान खाता हूँ, मट्ठा पीता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, यकीन मानिए सर, दिल से बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अभी जो है हम पराग मिल्क बूथ पार्लर में थे, और ये असल में असली जो आकांक्षा नाश्ता केंद्र है वो ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये है। तो और ये मूल रूप से जो गृह उद्योग में बनाए गए जो मठरी है, नमक पारे हैं, ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं नाश्ते में किए जाने वाले उनका बिक्री केंद्र है। तो बगल में पराग मिल्क बूथ पार्लर और ये नाश्ता केंद्र दोनों हैं, और ये असल में आकांक्षा नाम की संस्था है उसके द्वारा चलाया जाता है। तो आइए यहाँ पर मिलकर के जानते हैं कि जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं और उनकी खासियत क्या है। ये शॉप में जैसा कि यहाँ पे ऊपर से थे मखाने हैं, लाई चूरा वगैरह जो नाश्ते के रूप में यूज़ होता है वो सब भी है, और जो चने दाल मूट मठरी सुहाल मीठा खजूर और बादाम पिस्ता ये अखरोट ये सब प्रोडक्ट भी यहाँ पर उपस्थित हैं आकांक्षा नाश्ता केंद्र में। और ये आकांक्षा नाश्ता केंद्र सन 1987 से लेकर के अभी तक चला चला आया है, जगह जगह पर इसी तरह से संस्था के द्वारा चलाए गए गृह उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, और उसी तरह से लखनऊ में भी 2012 में इसकी शुरुआत करी गई। ये प्रोडक्ट्स लखनऊ वालों को बहुत ही लुभाते हैं और लोग यहाँ पर आकर के इन प्रोडक्ट्स को ले जाते हैं। ये दोस्तों जैसा कि ये है ये सुहाल है, इनकी शॉप में जो मिलता है बंद पैकेट में, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स यहाँ के सारे जो है वो बंद पैकेट में ही सील में ही बेचे जाते हैं, जो पहले से गृह उद्योगों में बन करके तैयार होते हैं। इनके ऊपर का मैं दिखाऊँ तो ये आकांक्षा मसाला नाश्ता केंद्र, जैसा कि इन पर लिखा हुआ है शुद्ध मसाला स्वादिष्ट नमकीन, इनकी टैगलाइन है। और ये मीठा खजूर है, ये सुहाल है, और ये जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया नमक पारा है जो लोगों को चाय के साथ काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसी तरह के कई तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं नमकीन में भी मीठे में भी। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर मौजूद थे 1090 चौराहे पर पराग मिल्क बूथ पार्लर में, जिसको जिसके बगल में ही आकांक्षा नाश्ता केंद्र भी है, और उसको आकांक्षा नामक संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है महिलाओं के गृह उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इन दोनों जगहों पर हमने मिलकर के जाना कुछ जो गृह उद्योग में बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स और जो पराग के जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, जिनको लेकर के लोगों में एक खास तरह का क्रेज़ रहता है, लोग खाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसी तरह की नई नई जगहों पे हम आपको आगे भी ले चलते रहेंगे, नए नए स्वाद से आपको परिचित कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।